हे गाइस, स्वागत है आप सभी का बैच अर्जुना में। मैं डॉक्टर ओकेश बाली आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज बैच अर्जुना में शुरुआत करने वाले हैं। यूनिट नंबर वन टीचिंग एप्टीट्यूड का थ्योरी बैच होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, बैच अर्जुना क्या है? हमारा थ्योरी बैच होता है। और साथियों, आज बैच अर्जुना की जो क्लास है वो क्लास नंबर कितनी है? 14। आज 40वें नंबर की क्लास है। इससे पहले मैं आप लोगों को 39 क्लास करवा चुका हूं। वहां पर मैं आपको मैथ, रीजनिंग, डीआई, लॉजिकल रीजनिंग, रिसर्च को कंप्लीट करवा चुका हूं। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूं टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो साथियों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है? एक बार ईमानदारी से मुझे इस चीज़ का जवाब दे दीजिए, क्योंकि इस चीज़ को जवाब जानने के बाद ही मैं बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाऊंगा। आपको प्रत्येक क्लास के नोट्स इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है डॉक्टर लोकेश बाली। तो आप में से जितने भी लोग हैं जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मेरी क्लास की एक शर्त है। अब शर्त क्या है? शर्त है साथियों, नोट्स। आपको पता है कि मैं इस क्लास में डेली आपसे नोट्स बनवाता हूं, सिखाता हूं कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, और प्रत्येक यूनिट्स के मैं आपसे नोट्स बनवाता हुआ चल रहा हूं। तो आप जितने भी लोग इस क्लास को अभी देख रहे हैं लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, उनसे मेरी शर्त है कि आप पेन कॉपी लेकर ही मेरी क्लास में बैठे, क्योंकि मैं प्रत्येक चीज आपको नोट करवाता हुआ चलता हूं। ऑफलाइन कोचिंग की भांति मैं आपको एक एक चीजें यहां पर समझाऊंगा और नोट करवाऊंगा। तो अगर आप किताब को कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं, तो आप अभी से जा सकते हैं क्लास को छोड़कर, या फिर आप अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और एक एक चीज नोट्स बनाते हुए हमको यहां पर चलना है। तो आप में से कितने लोग हैं जो कॉपी पेन निकाल कर बैठे हैं? ये सोशल मीडिया हैंडल है मेरे, जिसको आप डॉक्टर लोकेश बाली के नाम से सर्च कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपका ऑफिशियली सिलेबस है, जो आपका 2024, 2025 इन सब में काम आ रहा है। ये आपका ऑफिशियली सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड का। आइए सबसे पहले सिलेबस से दोस्ती कर लेते हैं। देखो, मेरा ऐसा मानना होता है कि किसी भी चीज़ से पढ़ने से पहले अगर हमने उसके सिलेबस से दोस्ती कर ली, तो चीज़ों को जानना समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आइए हम क्या क्या पढ़ेंगे आज के इस क्लास में, इस पर एक बार हम नजर दौड़ा लेते हैं। शिक्षण की अवधारणा, अवधारणा की मतलब क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या है, इसका स्तर क्या है, इसकी विशेषता क्या है, एक एक चीजों को समझाएंगे। विद्यार्थी की विशेषता क्या होती है, जिसमें किशोर अवस्था में विद्यार्थी कैसा होता है, वयस्क होने के बाद वो किस किस तरीके से अपनी शिक्षा को ग्रहण करता है, शिक्षण के प्रभाव कैसे क्या रहते हैं, शिक्षण की संस्थाएं क्या क्या हैं, ऐसे तमाम चीज़ों पर जो हमारी जो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो नया सिलेबस है, उस सिलेबस की प्रत्येक चीज को मैं इस क्लास में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ध्यान रहे, क्लास का टाइम रोज 9 बजे होता है, रात्रि 9 बजे क्लास का टाइम होता है रोज। आइए शुरुआत करते हैं आपके सामने। पहले मैं आप लोगों के कुछ कॉमेंट्स देख लेता हूँ और फिर हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। हाय गाइस, आप लोगों ने कितने लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है? हेलो 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 हेलो, नमस्कार सबको, प्रणाम। सर, मेरा नाम मोहन परमार, मैं आपकी हर क्लास लेता हूं, नोट भी करता हूं। बहुत बढ़िया, ईमानदारी से बताओ कितने लोग मेरी क्लास को नोट करते हुए चलते हैं? आज ये ईमानदारी की गणना है। आप लोग ईमानदारी से बताओ कि सर हम आपकी क्लास में नोट्स बनाते हुए चलते हैं, ईमानदारी से बताइए। क्लास रोज होती है, क्लास रोज ही होती है, वो तो आपको पता है कि एग्जाम के समय में
आप लोग छुट्टी मना रहे थे इसलिए दो चार दिन का गैप रख लिया, नहीं वैसे क्लास रोज होती है। आप लोग एग्जाम देने के बाद में थोड़ा सा छुट्टी मनाने लग गए थे इसलिए फिर मैंने भी चलो एक दो दिन चलो कोई बात नहीं आपको तफरी मार लेने दूं, ओके, इसलिए मैंने नहीं किया। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक शब्द है अधिगम। शिक्षण का अर्थ को समझने से पहले एक शब्द लिखो अधिगम, ये लिखो अधिगम, हेडिंग डालो अधिगम। अभी इस पर तो मैं बाद में आऊंगा, सिर्फ अभी मैं क्लास पर बाद में आऊंगा। एक शब्द लिखो अधिगम, कॉपी में नोट करो सबसे ऊपर, सबसे ऊपर नोट करो अधिगम, क्योंकि अधिगम को पहले समझाऊंगा फिर बाकी की चीज आपको समझाने वाला हूं। अधिगम लिख लिया, आगे लिखो अधिगम के आगे लिखो, अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम का लिखते जाइए, ये चीज बाद में समझाऊंगा, पहले अधिगम को समझना बहुत जरूरी है आसान शब्दों में। अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना या लर्न करना। लिखो, अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना या लर्न करना। अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना या लर्न करना। आगे लिखिए, लेकिन अधिगम केवल स्कूल जाने कॉलेज जाने या किसी के सिखा देने मात्र से नहीं होता। फिर से दिखा रहा हूं, समझाऊंगा अभी। अधिगम केवल स्कूल जाने कॉलेज जाने या किसी के सिखा देने मात्र से प्राप्त नहीं होता, बल्कि अधिगम एक ऐसी प्रणाली है जो जीवन के अंतिम समय तक, अधिगम एक ऐसी प्रणाली है जो जीवन के अंतिम समय तक हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? आपने ये लिख लिया। देखो क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना या लर्न करना या जानना या समझना, लेकिन केवल किसी के समझा देने से या स्कूल जाने से अधिगम प्राप्त नहीं होता। अधिगम हर चीज से प्राप्त होता है, हर चीज से। अगर मान लो ऐसे, देख मैंने टेबल पर थप्पड़ मारा है, टेबल पर आवाज की है तो एक साउंड आया, उस साउंड से मैं सीखाऊं। मेरे हाथ में हल्की चोट लगी, इस चोट से मैं दर्द को सिखाऊं। यानी अधिगम हर चीज से सीखा जाता है। उदाहरण के रूप में एक उदाहरण लिख लो, जो अभी मैंने लिखा है ना वहां पर एक उदाहरण लिख लो, उदाहरण लिखो। टीचिंग एप्टीट्यूड की रीड होती है ये, उदाहरण में लिखो क्या लिखना है उदाहरण में। हमारे पूर्वज, हमारे दादा नाना पिता खेती किसानी का काम करते हैं। मैं बोल देता हूं, तुम समझकर अपने हिसाब से लिख देना। हमारे दादा नाना पिता ये खेती किसानी का काम करते हैं। क्या तुमने कभी जाते हुए देखा है कि हम लोग कोई स्कूल कॉलेज में ट्रेनिंग थोड़ी ना लेकर आए किसानी करने की, लेकिन तब भी हम सीख गए हैं एक दूसरे से। आपने कभी देखा है कि हमारी माता बहनें इतना सुंदर इतना अच्छा खाना बनाती हैं, एकदम लजीज, क्या कभी उन्होंने कोई कोर्स किया है खाना बनाने का? नहीं किया ना।
तब भी उनको क्या आ गया, अधिगम आ गया। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो कहीं कॉलेज विश्वविद्यालय स्कूल जाने से प्राप्त नहीं होती, होती है वहां से भी, लेकिन अधिगम और कई रूपों में हमको प्राप्त होता रहता है। यानी समझ जो है, सीखना जो है, लर्निंग जो है, अलग अलग चीजों से भी हमको प्राप्त होती रहती है। जैसे मैंने अभी ताली बजाई, मैंने अभी क्या बजाई, ताली बजाई। अब ताली बजाने से हमको एक अधिगम ये प्राप्त हुआ कि ऐसे हाथ करने से आवाज आती है, ये अधिगम प्राप्त हुआ हमको, सीख गए। ऐसे करने से हाथों में थोड़ा चोट भी लगती है, दर्द का एहसास हुआ, ये भी अधिगम हो गया। और ऐसे करने से उत्साह भी बढ़ता है, ये भी अधिगम हो गया। अधिगम हर चीज से प्राप्त हो सकता है, हर चीज से हम लर्निंग को सीख सकते हैं, अधिगम को समझ सकते हैं। आप क्या अधिगम को समझ चुके हो सबके सब? क्योंकि जब तक आप अधिगम को नहीं समझोगे, टीचिंग एप्टीट्यूड आपके समझ नहीं लगेगा। क्या आप अधिगम को समझ चुके हो साथियों? ईमानदारी से बता दो, क्या आप अधिगम को समझ चुके हो सबके सब? आई रिपीट, क्या आप अधिगम को समझ चुके हो? जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं, जो बाद में देख रहे हैं, वो सब। अच्छा, अधिगम को समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो सबके सभी। अधिगम आपको समझ लग गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मुझे पता लग जाएगा कितने लोगों को समझ आ गया। जितने भी लोग समझ गया गया उनका वीडियो लाइक कर दो, ताकि मुझे आइडिया आ जाए कि कितने लोगों को समझ आ गया है। अब करते हैं शुरुआत हमारे असली क्लास की। चलिए, शिक्षण का अर्थ क्या होता है, एक एक चीज हमको समझ समझ कर करनी है। चलिए, अब से हम हमारी क्लास को ढंग से शुरू कर रहे हैं। मैं दोबारा से ऐड कर लेता हूं, शायद मुझे लगता है कि वो कुछ टेक्निकल एरर आ गया। ओके, ऐसे मिट क्यों नहीं रहा ये इरेजर सेलेक्ट? प्रभु क्या हो रहा है? अब हो गया, अब हो गया। अरे एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा आप है ना वो दीजिए, मैं इसको हटा ही देता हूँ, पूरा बंद कर देता हूँ, क्योंकि कुछ दिक्कत आ गई इसके अंदर, डिजिटल बोर्ड में कुछ दिक्कत आ गई, वो मिट नहीं रहा था, ऐसे मिटाने से मिटता नहीं है, पता नहीं क्यों। हाँ, अब सही हो गया। चलिए, अब हम बात करते हैं शिक्षण का अर्थ क्या है। आइए शिक्षण का अर्थ समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। कॉपी पेन निकालो सबके सब। ओके, शिक्षण मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है। मानवीय मूल्य क्या होते हैं, सबसे पहले इस चीज को समझने का प्रयास करो। कॉपी पेन निकालो,
मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ लिखवाऊंगा। देखो अब जमाना बदल गया है, मेरी बात ध्यान सुनो। जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। अब एग्जामिनर आपको लैंग्वेज के आधार पर फंसाने का प्रयास करता है कि आप चीजों को कितना समझते हो। इसलिए मैंने ये प्लानिंग की है कि जो आपने कॉपी बना रखी है ना, वहां पर एक साइड थोड़ी जगह छोड़कर चलिए, ताकि मैं वहां पर जो कठिन शब्द आए उसका अर्थ आपको लिखवाते चलूं। ओके, शुरू करते हैं। शिक्षण मानव मूल्यों के विकास पर बल देता है क्योंकि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। कुछ बच्चे कमेंट्स में जी वो कर रहे हैं, बिल्कुल आग लगा रखी है कमेंट कर करके। क्या बात हो रही है, मैं बोल तो दूं। सर सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दीजिए, फर्स्ट पेपर का पीडीएफ डेली भेज दीजिएगा। और अब तक मैं 4 यूनिट कंप्लीट करा चुका हूं बेटा, चिंता ना करें। सर आप बहुत छुट्टी करते हैं, अच्छा। चलिए चलिए कोई बात नहीं। चलो अब पढ़ने पर ध्यान दो, कमेंट्स पर ध्यान कम दो। शिक्षण मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है क्योंकि यह सामाजिक प्रक्रिया है। ये एक एक चीज महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। और क्या है साथियों, मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देती है। अभी मानवीय मूल्य क्या होते हैं, मानवीय मूल्य का मतलब होता है आप एक दूसरे का सम्मान करो, तहजीब और तमीज से बात करो, कानून के दायरे में रहकर बात करो, यही क्या है मानवीय मूल्य है। मानव जीव मात्र की सेवा करो, ये इसी को कहते हैं साथियों मानव मूल्य। तो शिक्षा क्या है, वो कहते हैं विद्या ददाति विनियम, विनियम ददाति पात्रता। तो विद्या क्या है, विनम्रता को जन्म देती है। तो क्या है साथियों, शिक्षण जो है, जो क्या है मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है क्योंकि शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। नोट करते चलो, शिक्षण क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप, ये सबसे मोस्ट होती है। आपके और मेरे बीच में जो बातचीत हो रही है वो सबसे मोस्ट होती है। क्या है, शिक्षण और विद्यार्थी के बीच जो प्रत्यक्ष वार्तालाप होती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षक में, शिक्षण में दो तत्व होते हैं, शिक्षण और विद्यार्थी। देखो क्या होता है, किस प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया होती है, आइए इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का आपके सामने कोशिश करता हूं। देखो शिक्षण प्रक्रिया को जब हम आगे पढ़ेंगे, पहले के जमाने में जो गुरुकुल के समय में हुआ करती थी, पहले क्या था, गुरुकुल था। गुरुकुल के टाइम पर जो एजुकेशन हुआ करती थी वो थी साथियों इस प्रकार से। यहां पर क्या था, शिक्षक था मध्य में, और ये कौन थे, छात्र थे। यानी कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, ये केवल और केवल शिक्षक के हाथ में होता था। ना कोई सिलेबस होता था, ना कोई पाठ्यक्रम होता था, शिक्षक अपने हिसाब से ही इनको पढ़ाता था। यानी सर्वे सर्वा कौन था यहां पर, शिक्षक। क्या था, सर्वे सर्वा यहां पर शिक्षक हुआ करता था। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, अब की जो प्रक्रिया है वो ट्राइंगल प्रक्रिया है। ये हो गया छात्र, ये हो गया पाठ्यक्रम, और ये हो गया टीचर। अब यहां पर सर्वे सर्वा कौन है, ये छात्र सर्वे सर्वा है। हमको छात्र के अनुसार समझाया जाता है, टीचर के हाथ में कुछ नहीं है, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाता है। अभी मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूं, तो मैं वही चीज पढ़ा रहा हूं जो हमारे एनटीए के सिलेबस में है। क्या है, जो हमारे एनटीए के सिलेबस में है, मैं उसी सिलेबस को पढ़ा रहा हूं। जबकि अगर गुरुकुल पद्धति चल रही होती, पुराने जमाने की शिक्षा इस समय चल रही होती, तो क्लास इस तरीके से ना होकर ये क्लास में अपने अनुसार ले रहा होता।
तो ये है साथियों आज का मॉडल, और इसी मॉडल को आगे समझने का हम लोग प्रयास भी करेंगे। ठीक है, चाहो तो ये डायग्राम आप अपने इसमें से बना सकते हो। आइए, तो क्या सीखा अब तक? शिक्षण मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षक और विद्यार्थी दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, इनके बीच वार्तालाप करना मोस्ट है, शिक्षण कोई मौलिक अवधारणा नहीं है। एक शब्द है मौलिक। अब मौलिक का मतलब क्या है, इस चीज को समझाते चलूं। मौलिक अवधारणा नहीं है, इसका मतलब क्या है? मौलिक अवधारणा का मतलब क्या है कि शिक्षण किसी परिपाटी के बीच में बंधी नहीं है कि यार आप यहीं हैं, इसी तरीके से ही शिक्षण प्राप्त कर सकते हो। मौलिक अवधारणा का मतलब है कि किसी परिपाटी में उसको नहीं बांध रखा है कि यार आपको अगर शिक्षा इसी तरीके से प्राप्त होगी। जैसे आप कहते हो कि सर स्कूल और कॉलेज जाने से ही शिक्षा प्राप्त होगी, लेकिन अब तो देखो ऑनलाइन भी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। क्या कभी ने सोची किसी ने कि ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त हो सकता है? नहीं सोची, लेकिन आप ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो। मौलिक अवधारणा नहीं है। अगर मौलिक होता कि भाई एजुकेशन आप केवल और केवल स्कूल कॉलेज में जाकर ही ले सकते हो, तो आज ये चीज आपके लिए संभव नहीं होती। तो इसी तरह से एजुकेशन क्या है, शिक्षण एक मौलिक अवधारणा नहीं है, यहां पर मोस्ट चीज है। आपसे मल्टीपल ऑप्शन में चीजें पूछी जा सकती है, क्योंकि यह सामाजिक और मानवीय कारकों से गतिशील और प्रभावित होती है। अब सामाजिक और मानवीय कार्यों से गतिशील कैसे होती है और प्रभावित कैसे होती है, इस चीज को भी यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए। एजुकेशन जो है ना, वो समाज के आधार पर भी चलती है, ये गतिशील होती है, इससे प्रभावित ये होती है। आगे समझाऊंगा बहुत विस्तृत रूप से। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम औपचारिक और अनौपचारिक रूप से सीखने के अनुभवों को विस्तार देते हैं। शिक्षण को हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए एक विद्यालय उपकरण कहा गया है, ये अपने आप में मोस्ट है। नोट कर लो, की पॉइंट लिख लो, कुछ की नोट कर लो, चलो नोट करो, नोट करो, किस की नोट कर लेता, की नोट ये है, आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, कि शिक्षण मानवीय मूल्यों के विकास में बल देता है। नंबर एक, देखो मेरी क्लास में मैं आपको क्लास में ही इतना सिखा दूंगा, इतना पढ़ा दूंगा, इतना समझा दूंगा कि बाद में आपको नोट्स पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको दोबारा कहीं पेपर वन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरा पेपर वन में कंप्लीट करवा दूंगा। आज 40वें नंबर की क्लास है, इससे पहले मैं 39 क्लास करवा चुका हूं। ठीक है, हाँ समझो, शिक्षण मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है, नंबर एक। नंबर टू, शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया, मेरे साथ दोहराओ, मेरे साथ दोहराओ, चलिए मेरे साथ दोहराइए। हेलो हेलो हेलो, सरिता, पूनम, खुशबू, नीलम, प्रभात, मेरे साथ दोहराइए। शिक्षण मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है, नंबर एक। नंबर दो, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। नंबर तीन, शिक्षण के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, टीचर और विद्यार्थी। नंबर चार, शिक्षण मौलिक अवधारणा नहीं है। नंबर पांच, शिक्षण समाज और मानवीय कारणों से गतिशील होता है, प्रभावित होता है। और छह, शिक्षण को हमारे समाज में विद्यालय उपकरण भी कहा गया है, विद्यालय उपकरण भी कहा गया है। ये सारे बिंदु मोस्ट हैं, और आगे जितनी भी क्लासेज हमारी होंगी उनके लिए ये लगा लो कि एक प्रकार से आपके लिए बैसाखी का काम करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने ये बिंदु नहीं समझे तो आप बाकी के बिंदुओं को समझ नहीं पाओगे। समझ गए साथियों, आगे बढ़ूं, क्या सबको समझ आ गया है? एक बार कमेंट्स कर दीजिए, और जितने भी लोग इस क्लास को बाद में देख रहे हैं, हाँ भाई ओहो, आप इसे बात कर रहा हूं, तुम बाद में देख रहे हो ना, पहले तो सो गए थे, 9 बजे तो आए नहीं रात को पढ़ने के लिए, बता कमेंट करके, पढ़ता हूं सारे कमेंट में। आगे बढ़ते हैं, चलिए लिखिए, वर्तमान परिवेश में, लिखिए वर्तमान परिवेश में
शिक्षा कोई रटने या बलपूर्वक मस्तिष्क में बिठाने की प्रक्रिया नहीं है। पहले क्या है, रटाया जाता था। जब देश में गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी, गुरु और शिष्य हुआ करते थे, तब रटाए जाते थे वेद पुराण, ये ऑन टिप्स रटाए जाते थे बार बार अभ्यास करा कर। को है ना करत करत अभ्यास के जड़ मति, जिसकी जड़ बुद्धि हो ना जड़ मति, होत सुजान सुज्ञान और रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। यानी बार 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 चीजें रटाई जाती थी, लेकिन आजकल की शिक्षा पद्धति रटने पर नहीं समझने पर आधारित है। इस चीज को याद रखना, क्या है, समझने पर आधारित है। मैं भाई कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं कराता हूं, मैं तो ऑनलाइन कोचिंग ही कराता हूं आप लोगों को। ओके, आगे देखते हैं। शिक्षण के मुख्यतः आज के वर्तमान दौर में, लिखा ऐसे लिखो, वर्तमान दौर में शिक्षण के तीन मुख्य तत्व होते हैं। वर्तमान दौर में लिखते जाइए प्रभु, लिखते जाइए, लिखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। और मेरी क्लास में अगर आपको पढ़ना है ना बैच अर्जुना में, तो आपको कॉपी लेकर ही बैठना पड़ेगा, नहीं तो जा सकते हो, मुझे जरूरत ही नहीं है आप लोगों की। मुझे उन छात्रों की जरूरत है जो नोट्स बनाते हुए चलें और एग्जाम को पास करके आए। जिस दिन एग्जाम देकर आए, रिजल्ट में बोलें कि सर गुरुजी आपने जो पढ़ाया वो आया और एग्जाम फोड़ कर आ गए। चलिए, वर्तमान दौर में शिक्षा के तीन स्तंभ हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। क्या है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, जो मैंने आपकी अभी आपको थोड़ी देर पहले ये वाला डायग्राम बनाकर समझाया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां कुछ कुछ लोगों ने इसकी परिभाषा और दे रखी है, लेकिन जिनमें से सबसे मोस्ट परिभाषा मुझे ये लगती है एनएल पेज की परिभाषा। एनएल पेज की परिभाषा मुझे सबसे मोस्ट लगती है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षण कला और विज्ञान है, यानी शिक्षण क्या है, कला भी है और विज्ञान भी है। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी शिक्षण कला और विज्ञान कैसे हो सकती है, दोनों चीज कैसे हो सकती है शिक्षण। आ रहा है मन विचार कितने लोगों का आ रहा है? हर हर महादेव भाई अर्जुन टाइम जाया करो। मैं ओनली इस चैनल पर पेपर वन पढ़ाता हूं, अपना सब्जेक्ट लिखो कमेंट में एक बार। मुझे जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं बाद में देख रहे हैं, अपना सब्जेक्ट लिखो एक बार। सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, एनवायरमेंट हिंदी, यूजीनेट हिस्ट्री, होम साइंस, एजुकेशन, और बाप रे। चलिए, अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे। कला और शिक्षण किस तरीके से है, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षण कला कैसे है और विज्ञान कैसे है। जैसे आपने मेरी क्लास देखी,
मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं और एक एक चीज नोट करवा रहा हूं, ये मेरी कला है। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण देता हूं जो आपके रोजमर्रा के जीवन से संबंधित होते हैं, ये मेरी कला है। कोई टीचर इसी यूनिट को अलग तरीके से पढ़ा जाएगा और कोई और टीचर इसी यूनिट को कोई अलग तरीके से पढ़ा जाएगा। यानी शिक्षण क्या है, एक कला है, सीखने की भी अपनी कला है। और विज्ञान कैसे है इस चीज को समझ, वैज्ञानिक कैसे है इस चीज को समझने का प्रयास करो। जैसे कोई तो ऐसा होता है जो यूनिट नंबर 1 पढ़ेगा और फिर यूनिट नंबर 10 पढ़ेगा, फिर यूनिट नंबर 2 पढ़ेगा, फिर यूनिट नंबर 4 पढ़ेगा। कोई लोग ऐसे होते हैं मुझ जैसे जो क्रम से चलते हैं। जैसे आज टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 1 हुई है तो कल टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 2, परसों टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 3, उससे आगे क्लास नंबर 4। यानी क्रम से आगे बढ़ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। तो एजुकेशन विज्ञान भी है और एजुकेशन कला भी है, इस चीज को ध्यान रखना। अब सीख गया आप एजुकेशन कला कैसे है, एजुकेशन विज्ञान कैसे है। यार मैं तो सोच रहा हूं कि इसने बेवकूफ लड़के भरे हैं इस क्लास में। अरे भाई मैं आपसे बोल देता हूं, कितनी बार बोलूं, बैच अर्जुना में यूजीसी नेट पेपर 1 के संपूर्ण सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है। इससे पहले मैं 4 यूनिट पढ़ा चुका हूं। आज ये जो क्लास में ले रहा हूं ये 40वें नंबर की क्लास है। इससे पहले मैं 39 क्लास पढ़ा चुका हूं जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट कर दिया, माफ करना, मैथ कंप्लीट कर दी, लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट कर दी, DI कंप्लीट करा दिया और रिसर्च कंप्लीट करा दिया। और अब हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, कंप्लीट करवाएंगे। ये आते होनी क्लास में जो डेली आ रहे हैं उनको पता है कि इस क्लास में क्या चल रहा है, क्या होता है ना। डेली आया करो, नहीं तो ऐसी फटकार मारूंगा कि पूछो मत। ठीक है, तो कला अनुभवों पर आधारित होती है और विज्ञान इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है। अब हम बात करते हैं शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग। लिखिए, हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी में, नेचर और टीचिंग के बारे में हेडिंग लिखिए। शिक्षण की अवधारणा लिखिए, शिक्षण की प्रकृति नोट करिए, शिक्षण की प्रकृति नोट करिए। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है, लिखो, शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जो छात्रों में संज्ञानात्मक, समझाने वाला हूं, संज्ञानात्मक किसे कहते हैं समझाऊंगा, संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक अभिप्रेरणा का संचार करती है या करता है। दोबारा से बोल देता हूं, शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जो छात्रों में संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक अभिप्रेरणा को या अभिप्रेरणा का संचार करती है, यानी शिक्षण करता है, लगा लो करता है शिक्षण। नोट कर लिया सबने, ओके। चलिए अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी स्टार्टिंग में, क्या थी वो चीज, एक चीज समझाई थी साथियों
कि शिक्षण एक त्रिभुवीय प्रक्रिया है। अच्छा, मैं इसको समझा देता हूँ। अब तीन चीजें आई थी यहां पर बीच में। ओके ओके, संज्ञानात्मक, लिखो लिखो, निकालो कॉपी, भावनात्मक और क्रियात्मक किसे कहते हैं, इसके पक्ष क्या होते हैं? क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। सॉरी, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक पक्षों की अभिप्रेरित करती है, ये से किसे कहते हैं? चलो लिखिए कॉपी में, संज्ञानात्मक का मतलब लिखिए, निकालो कॉपी निकालो। संज्ञान का मतलब होता है एक चीज हो, एक शब्द होता है संज्ञान लेना, एक शब्द होता है संज्ञान। संज्ञान का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई काम कहा मुझसे और मैंने उसको संज्ञान में ले लिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। संज्ञान का मतलब होता है एक तरीके से उसको हमको अमल में लेना। इसी तरीके से जब संज्ञानात्मक चीज, संज्ञानात्मक का मतलब पढ़ते हैं तो संज्ञानात्मक का मतलब होता है जो हमारी समझ है ना उसको बढ़ाना, एक तरीके से किसी चीज के प्रति हमारी समझ को आगे बढ़ाने की हमारी प्रक्रिया, संज्ञान में लेना। किसी को गहराई से जानना समझने के जो चेष्टा होती है ना, किसी भी चीज को गहराई से जानने समझने की जो चेष्टा होती है उसी को संज्ञानात्मक कहते हैं। भावनात्मक का मतलब होता है इमोशनल रूप से आप में भावनाएं आ जाती हैं। देखो वो कहते हैं ना कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात और मूर्ख से मूर्ख मिले कह घूसा कहलात। भावनात्मक चीज एक ऐसी होती है जो आप दूसरों के प्रति और अपने प्रति भी सेंसिटिव हो जाते हो। आप किसी का बुरा नहीं करोगे और आप किसी को अपना बुरा नहीं करने दोगे। ये कहां से आता है? ये शिक्षा से आता है। ये चीज भी व्यापक रूप से शिक्षण से प्राप्त होती है। एक होती है क्रियात्मक पक्ष का मतलब क्या होता है? क्रिया का मतलब काम करना, किसी चीज का काम करना। शिक्षा हमको किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा अभिप्रेरित करती है, प्रेरणा देती है। ओके, आइए अब आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इस चीज को समझने का प्रयास करो। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कैसे है इस चीज को मैंने आपको यहां पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं पहले से। ये तीन ध्रुव हैं। ये पहले की प्रक्रिया थी, ये वाली जिसमें गुरु भीतर रहा करता था और चेले बाहर पड़ा करते थे, ऐसे सब कुछ गुरु के हाथ में रहता था। अब की प्रक्रिया यह है जिसमें यह छात्र है, यह पाठ्यक्रम है और यह टीचर है, इस तरीके से। तो क्या है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक रायबर ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। रायबर के अनुसार विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम तीन ध्रुव हैं। इनके अनुसार शिक्षण के तीन पक्ष उद्देश्य सीखने के अनुभव और व्यवहारिक परिवर्तन लाने के काम आते हैं, यानी तीन ध्रुव है, इस चीज को मान लेते हैं। मैंने शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, इस चीज को मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। अब ऐसा आते हो शिक्षण अंतः प्रक्रिया है। अब इस चीज को समझने का भी थोड़ा सा प्रयास करो, इन शब्दों का मतलब क्या है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप का होना। यानी प्रत्यक्ष वार्तालाप का होना भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है शिक्षण अंतः प्रक्रिया में। एक दो 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 शब्द हैं, अगर आपने अगर संचार पढ़ा होगा ना, कम्युनिकेशन, आप में अगर आपने किसी लोगों ने संचार पढ़ा होगा ना, तो एक शब्द आता है अंतः व्यक्तिक संचार। इधर देखिए, अंतः व्यक्तिक संचार आता है, एक दूसरा आता है अंतर्वैयक्तिक संचार।
आप में से कितने लोग इन संचार का मतलब जानते हो? एक आता है अंतर्व्यक्तिक और एक आता है अंतर्व्यक्तिक। आप में से कितने लोग इसका मतलब जानते हो? चलिए कमेंट्स करके बताइए मुझे। अंतर्व्यक्तिक संचार और अंतर्व्यक्तिक संचार कितने लोगों ने पढ़ा है पहले? स्टडी लव ने थोड़ा थोड़ा लिखा है, कोई कमेंट्स करके बताओ, जो बाद में इस क्लास को देख रहे हैं वो भी बताओ। जो स्वयं से बात करते हैं वो कौन होते हैं? अंत या अंतर? इसी तरीके से साथियों, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है उनके बीच की वार्तालाप करना। ओके, नीलम मौर्य कह रही है साफ नहीं दिख रहा। बेटा ऐसा नहीं है, बहुत साफ दिख रहा है। वैसे आप तो क्या करो कि क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर लो, साफ ही दिख रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम और कर लेता हूं तो आपको और बेहतर दिखना लग जाएगा। इससे ज्यादा बेटा मैं जूम भी नहीं कर सकता इसको, अब तुमने बहुत जूम कर दिया इसको। आइए अब हम शिक्षण निर्देशक के 6E को समझने का प्रयास करते हैं। ये 6E+S क्या है? 6E+S क्या है? सबसे पहले आप एक शब्द लिखिए, उसका मतलब क्या है? संलग्नता, एंगेज। एक शब्द लिख दिए, संलग्नता, इसका मतलब क्या है? संलग्न होना। एजुकेशन क्या है? आपको संलग्न करता है, एंगेज करता है। संलग्न का मतलब शामिल होना। क्या होता है संलग्न का मतलब? होता है शामिल होना। एक सेकंड आ रहा हूं, रुक जाओ। एक शब्द होता है साथियों अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खोज। आपको एजुकेशन क्या करता है? खोज करता है आपको, नई नई चीजें खोजने के लिए क्या करता है? उत्सुक करता है। एजुकेशन यानी शिक्षा आपको व्याख्या करना सिखाता है, आप किसी चीज को ब्रॉड विस्तृत करना सिखाता है। मूल्यांकन का मतलब आप जानते होंगे, एक्सटेंड करना। मानक, एक शब्द होता है मानक सेट करना। मानक का क्या काम होता है कि जैसे आपको पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, तो ये 40 नंबर क्या है? सीमा निर्धारित कर दी, इसी को कहते हैं मानक, कि भाई इससे ऊपर वाले लोग ही पास होंगे। तो ये क्या है? मानक सेट कर दिया हमने। क्या कर दिया यहां से? ये मानक सेट कर दिया एक प्रकार से। क्या कर दिया यहां पर? मानक सेट साथियों हमने कर दिया है। अब बताइए आपको क्या सारी चीजें समझ लग रही है गाइज, जो अब तक पढ़ाई जा रही है टीचिंग एप्टीट्यूड की?
क्या आपको सारी चीज समझ लग रही है गाइज? बताइए मुझे कमेंट्स करके। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर इसमें से कोई चीज आपको समझ ना लगती है तो आप आगे इससे मुझसे पूछ सकते हो। हम पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जो इस क्लास में आज पहली बार जुड़े हैं उनसे मैं बात कर लेता हूं। देखो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने नहीं कर रखा है सब्सक्राइब तो आप सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब देखो क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं, ये चीज़ें मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। देखो इस YouTube चैनल पर मैं आपको रोज 9 बजे मैंने एक शुरू कर रखा है बैच अर्जुना, बैच का नाम है बैच अर्जुना। इसमें अब तक मैं आपको 40 क्लास पढ़ा चुका हूँ, अब तक मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा चुका हूँ, मैथ पढ़ा चुका हूँ, रिसर्च पढ़ा चुका हूँ, DI पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ। ये थ्योरी बैच होता है जो रात को 9 बजे स्टार्ट होता है डेली, ठीक है, जो आपको पूरी तरीके से हिंदी और इंग्लिश मिक्स पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरा जोर रहता है हिंदी मीडियम के छात्रों पर। अभी वर्तमान में यूनिट नंबर 1 पढ़ा रहा हूं जिसकी क्लास नंबर 1 है आज, और टीचिंग एप्टीट्यूड ये टॉपिक का नाम है। मैं खुद 3 टाइम JRF हूं, मैंने PhD किया है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा हूं, पढ़ाया है, बहुत सारा अनुभव साथियों मेरे पास इस फील्ड का है। तो डेली क्लास में आया करो। बैच अर्जुना आपको पेपर 1 पूरा कंप्लीट करवा कर देने वाला है। कई दिनों से हमारी क्लास नहीं हो रही थी क्योंकि एग्जाम के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लेने दिया जाए आप लोगों को। अब आप फिर से अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि सर लौट आए हैं। सारे नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जो साथियों वीडियो की फर्स्ट कॉमेंट में आपको मिलेगा। ओके, तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और मुझे सोशल मीडिया पर आप फॉलो कर लीजिए। आज की क्लास को हम थोड़ा सा जल्दी खत्म कर रहे हैं और कल हम नए जोश के साथ फिर से आएंगे और अगली टॉपिक को यहां से पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है गाइज, कोई बात नहीं, आज हम थोड़ा सा आज 10 मिनट पहले मैं इसको आज थोड़ा सा जल्दी मैं क्लास को समाप्त कर रहा हूं। कल हम और बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू, लव यू ऑल, ख्याल रखो अपना, शुक्रिया। ओके ओके ओके, बाय, गुड नाइट। हमेशा तब तक हमेशा की तरह रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।